हेलो बच्चों, ऑनलाइन उर्दू क्लास में आपको खुशामदीद। आज हम तीसरी जमात की उर्दू किताब नईकरण का सबक नंबर 2 का मुताला करेंगे। चलिए सफ़ा नंबर 2 निकालते हैं। आज हमारे सबक का उन्वान है नात। आज हम नात का मुताला करते हैं। सबसे अच्छे सबसे प्यारे आँख पितारे राज दुलारे सीधी राह दिखाने वाले सच्ची बात बताने वाले एक खुदा से डरने वाले नेकी कदम भरने वाले साफ हमेशा रहने वाले बात पते की कहने वाले काम सभी के आने वाले दुख में सहारा देने वाले सबसे अफजल सबसे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, सबसे पहले हमें नात के मायने मालूम होना चाहिए कि नात किसे कहते हैं। इससे पहले आपने हम्द नज़्म पढ़ी थी, इसमें हम्द के मायने हैं तारीफ़ करना, यानी खुदा की तारीफ़ करना। नात के मायने भी तारीफ़ करना है, यानी जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ठीक है, अब मैं इस नात को आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। शेर को देखिए। सबसे अच्छे सबसे प्यारे आँख के तारे राज दुलारे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बनाई हुई दुनिया में सब इंसानों से अच्छे और प्यारे हैं और सब सबकी आँखों के तारे हैं और आपको सब प्यार भी करते हैं। सीधी राह दिखाने वाले सच्ची बात बताने वाले, मतलब वो सब इंसानों को सीधा और अच्छा रास्ता बताते थे और सबको सच्ची बातें बताते थे और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगला शेर। एक खुदा से डरने वाले नेकी का दम भरने वाले, वो तमाम इंसानों को एक खुदा से डरने की तालीम देते थे। साफ हमेशा रहने वाले बात पते की कहने वाले, बच्चों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ और पाकीज़ा रहते थे और हमेशा सबको काम की और फ़ायदे की बात बताते थे। काम सभी के आने वाले दुख में सहारा देने वाले, वो हमेशा दूसरों के काम आते थे और दुख दर्द में सबका सहारा बनते थे। सबसे अफजल सबसे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे ज़्यादा फजीलत और इज्जत वाले हैं, दुरूद हो उन पर और सलाम। सबसे अफजल सबसे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबसे ज़्यादा फजीलत और इज्जत वाले हैं, दुरूद हो उन पर और सलामती। बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ा करें। इसको दुरूद पढ़ना या दुरूद भेजना कहते हैं। अच्छा बच्चों, हमने नात का मुताला किया और इसका मतलब समझा और अब हम नात में आने वाले मुश्किल अल्फाज के पहले मायने पढ़ेंगे और फिर घर से मायने याद करेंगे। मश्क नंबर 1, मायने याद कीजिए। लफ्ज़ नंबर 1, राज दुलारे। मश्क नंबर 1, मायने याद कीजिए। मश्क नंबर 1, मायने याद कीजिए। पहला लफ्ज़ है राज दुलारे, इसके मायने हैं सबके प्यारे। दूसरा लफ्ज़ है सहारा, इसके मायने हैं मदद। तीसरा लफ्ज़ है अकरम, इसके मायने हैं एहतराम के लायक यानी बुजुर्ग। चौथा लफ्ज़ है बात पते की, इसके मायने हैं सही बात। पांचवा लफ्ज़ है अफजल, इसके मायने हैं बेहतरीन। बच्चों, अब हमने मायने बुलंद आवाज़ से पढ़ लिए हैं, अब असल काम है उनको याद करना। ठीक है बच्चों, मश्क नंबर 2, सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1 आपका है, जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं।
इसका जवाब है, जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। सवाल नंबर दो है, साफ और पतली की बात कहने वाला कौन है? साफ और पतली की बात कहने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल नंबर तीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी राह दिखाई और कैसी बात बताई? सीधी राह दिखाई और सच्ची बात बताई। सवाल नंबर चार, दुखी लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? इसका जवाब है, दुखी लोगों का सहारा बनकर उनके काम आते थे। ये सवाल और जवाब मैंने आपको बताए हैं, अब आपको कॉपी में करना है इस तरह। ये आपके सवाल जवाब हैं, सवाल नंबर एक से सवाल नंबर चार तक के जवाब हैं। ये आपको कॉपी में इसी तरह करना है, ठीक है बच्चों? मश्क नंबर तीन, मुतजाद अल्फाज। मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो एक दूसरे के उल्टे हों उन्हें मुतजाद कहते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, सच्चा का झूठा, साफ का गंदा, नेक का बद, दुख का सुख। मश्क नंबर चार आपको मुझे नहीं कराना, आप इसे छोड़ दीजिए। अब मश्क नंबर पाँच निकालिए। मश्क नंबर पाँच, कालम अलिफ और कालम बे में सही मिसरे तलाश करके नीचे मुकम्मल शेर लिखिए। ये आपका सवाल है। यहाँ पर आपको कॉलम अलिफ और कॉलम बे दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने एक दो तीन चार यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं और इनका सही आंसर यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 2 4 1 3। नंबर एक को नंबर एक से मिलाइए, नंबर दो को नंबर दो से मिलाइए, नंबर तीन को नंबर तीन से मिलाइए। जब ये आप आपस में एक दूसरे को सही लाइनों से मिलाएंगे फिर इनको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर लिखना है आपको, शेर नंबर वन यहाँ लिखेंगे, फिर शेर नंबर टू यहाँ लिखेंगे, फिर शेर नंबर थ्री यहाँ, फिर शेर नंबर चार। बच्चों अब हम मश्क नंबर छः करते हैं। सवाल है आपका, मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। यहाँ पर आपको एक अल्फाज दिया है प्यारे। अब बच्चों अब हम करते हैं सवाल नंबर छः। सवाल है आपका, मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। लफ्ज़ है आपका प्यारे। प्यारे में कितने हरूफ आ रहे हैं? पे, ये, अलिफ, रे और बड़ी ये। ये आपको अलग अलग लिखने हैं। लफ्ज़ नंबर दो है सच्ची। यहाँ पर भी आपको सच्ची में कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं इस तरह लिखने हैं। ऐसे है नेकी, नेकी में भी आपको इसी तरीके से एक एक हरूफ अलग अलग लिखना है। फिर है अफजल, अफजल भी इसी तरीके से एक एक हर्फ लिखना है अलग अलग। आगे के लिए मश्क नंबर सात, सवाल है आपका, सबक में आए हुए दो चश्मी है वाले अल्फाज फूलों में लिखे। हमने नात पढ़ी है, नात में बहुत सारे दो चश्मी है वाले लफ्ज़ आए हुए हैं, उनमें से देखकर आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से देख करके लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए जो मैंने लिखे हैं, दुख, आँख, सभी, सीधी। इन सब में दो चश्मी है वाले लफ्ज़ हैं, ये देखिए आप, ठीक है? ये आपको इस तरह लिखना है। मश्क नंबर आठ, सवाल है आपका, बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। ये वाला काम आप खुद घर से लिखेंगे, ये खुशखत है, आपको अच्छे से लिखना है। ये मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ क्या लिखा है। ये आपका पहला लफ्ज़ है सच्ची, आपको इसको पूरी लाइन में लिखना है। फिर है नेकी, ये भी आपको पूरी लाइनों में लिखना है। फिर है सहारा, फिर है अफजल, फिर है अक्रम। ये आपको कंप्लीट करना है घर से, ठीक है बच्चों? बच्चों आपका सबक नंबर दो नात मुकम्मल हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तीसरा सबक आइंदा क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।